2002 में दीक्षा लिया था, मेरे को समझो 17 साल हो गया दीक्षा लिए। और जब मैं पहली बार आया था तो मैं खुद नशे में ही आश्रम आया था। पहली बार जब इधर आया था तो मैं तो ये देखने आया था कि आश्रम में होता क्या है, चलो यहाँ भीड़ जा रही है मैं भी चला चलूँ। दूर से मेरे को गुरु जी का दर्शन हुआ था, बहुत भीड़ थी, और उसके बाद से मेरा सब आदत और सब व्यसन बंद हो गया। ऑटो में मंत्रण वाले हैं और विदेशी संस्थाएं हैं जो लगातार बापू जी के ऊपर 20 साल से पीछे पड़ के और फंसा दिया है। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। ये धोबियों का वंशज जब पहले था राम के अवतार में थे तो कलयुग है, जब उस युग में माँ सीता को कलंकित करके निकलवा दिया गया तो कलयुग है। सरकार भी जान रही है, गवर्नमेंट भी जान रही है, लेकिन किसका कैसा क्या दबाव है कि मजबूरी में वो बापू को परेशान कर रहे हैं। बापू में इतनी अपार श्रद्धा है, इसमें जो हमको दिख रहा है इसमें अंधश्रद्धा क्या है। मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, मेरे परिवार का जीवन परिवर्तन हुआ। 2002 में दीक्षा लिया था, मेरे को समझो 17 साल हो गया दीक्षा लिए। और जब मैं पहली बार आया था तो मैं खुद नशे में ही आश्रम आया था, और फिर आते 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 दीक्षा मिली और पूरा मेरा जीवन सुधर गया। मेरे बहुत अनुभव हैं और ये लोगों के भी बहुत अनुभव हैं। इनके साथ भी बहुत वो हुआ, परेशानी हुई, लेकिन ये लोग आके एकदम आश्रम में एकदम सब सही हो गया। और ये तो आश्रम का ऐसा अनुभव है कि इधर जो आता है इधर ऑटोमेटिक इधर ऐसा प्रभाव है कि वो शुद्ध हो जाता है। जगह जगह भजन कीर्तन, ये लाखों की पब्लिक और ये वो, ये तो धर्मांतरण वाले हैं और विदेशी संस्थाएं हैं जो लगातार बापू जी के ऊपर 20 साल से पीछे पड़ के और फंसा दिया है। लेकिन मैं सब जो देश की सरकार है उससे ये प्रार्थना करता हूँ कि जो जैसा है वो भी जानते हैं, सरकार भी जान रही है, गवर्नमेंट भी जान रही है, लेकिन किसका कैसा क्या दबाव है कि मजबूरी में वो बापू को परेशान कर रहे हैं। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है ये तो बापू के अंधभक्त है, अंधश्रद्धा है, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बावजूद भी आप लोग आते हो, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ये अंधश्रद्धा और अंधभक्ति कुछ नहीं होती है, ये भक्ति तो ऐसी होती है, विश्वास होता है, जो ज़्यादा विश्वास होता है। अंधभक्ति तो उसको बोलते हैं कि जहाँ नाजायज है और वहाँ आदमी जाता रहे। अपने को अपन अपने माँ बाप को भी पहचानते हैं, वो भी अपनी श्रद्धा ही है, अपने को नहीं मालूम रहता कि अपने माँ बाप ये हैं, लेकिन कोई अपने को बताता, अपने माँ बाप अपन को बताते हैं तो अपन जानते हैं कि ये अपने माँ बाप हैं। ऐसे बापू में इतनी अपार श्रद्धा है, इसमें जो हमको दिख रहा है इसमें अंधश्रद्धा क्या है। मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, मेरे परिवार का जीवन परिवर्तन हुआ, और मेरा इतना विश्वास है, जो मैं इतना खुश रहता हूँ और मेरा व्यापार धंधा सब व्यवस्थित चलता रहता है, तो मैं देख रहा हूँ इसमें अंधश्रद्धा जैसी कोई बात नहीं है। वो तो अंधश्रद्धा तो वो है, वो जो मूर्ख लोग बोलते हैं वो अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है कि कहाँ प्रकाश है कहाँ दे रहा है। आपने बताया पहली बार जब आए थे नशा करके आए थे, तो बापू में ऐसा क्या देखा कि नशा छूट गया? परिवार वाले बोलते होंगे, रिश्तेदार बोलते हैं लोग नशा नहीं छोड़ते, तो बापू में ऐसा क्या देखा कि नशा छूट गया? मैं पहली बार जब इधर आया था तो मैं तो ये देखने आया था कि आश्रम में होता क्या है, चलो यहाँ भीड़ जा रही है मैं भी चला चलूँ। फिर धीरे धीरे एक दो बार आया, फिर गुरु जी का एक बार बापू जी का दूर से ही दर्शन हुआ, और ये सोच के आया था कि अगर अब दर्शन हो जाएगा तो। बहुत दूर से मेरे को गुरु जी का दर्शन हुआ था, बहुत भीड़ थी, और उसके बाद से मेरा सब आदत और सब व्यसन बंद हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया। और जैसे बंद हुआ उसके अगले थोड़ा दिन बाद होली था, होली के समय मैंने दीक्षा ली और तब से तो मेरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। और मेरे साथ साथ मैंने कई लोगों के, मेरे साथ और भी बहुत लोग आए, मेरी जितनी मेजॉरिटी थी सब ऐसा ही थी, लेकिन सब आए, सबका जीवन परिवर्तन हो गया, सबके नशा छूट गया, और भी परिवर्तन हुआ है। खाली नशे से नहीं है, रहन सहन और वो पूरा गाँव में इज्जत सम्मान हो गया, वो सब हो गया, ऐसा बहुत परिवर्तन हुआ। नहीं आने देते थे ये, फिर हम लोग को लेके आए, नशा करते थे, घर वाले बोलते होंगे नशा छोड़ दो तो नहीं छोड़ते थे। इधर गुरु जी के दर्शन हुआ, वो ऐसा मन में किया कि मैं मुझे गुरुदेव दर्शन देंगे तो छूट जाएगा, संकल्प में तो इतनी शक्ति है ना, संकल्प किए छूट गया। और हमारे साथ भी ऐसा कितना हुआ, हमारे घर में नहीं आने देते थे, हमारे गाँव वाले तो बहुत हंसी उड़ाते थे, मैं भी उसी में ऐसा सोचती थी कि हाँ सही होगा ऐसा नहीं, पर मैं इनके साथ आए, हमारे लड़का बच्चों सब आए, सबको लेके आए, जब इधर आए तो देखा तब से इधर इतना अच्छा लगता है कि यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं होता। कोई सच्चाई नहीं, सरकार जान रहा, जनता जान रही, सब जान रहे हैं। तो आज भी बापू को निर्दोष, बापू निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। ये धोबियों का वंशज जब पहले था राम के अवतार में थे तो कलयुग है,
कलयुग में तो धोबियों के वंशज ही है। जब उस युग में माँ सीता को कलंकित करके निकलवा दिया गया तो कलयुग है, इसमें हमारे बापू जिसके साथ जो औरत कोई। आपने देखा, ये भाई ने यही बताया कि पहली बार जब संत आसाराम जी बापू आश्रम में आए तब भी ये नशा करके आए थे, और एक ही बार मतलब दूर से बापू के दर्शन किए और सारे नशे छूट गए। और इनका यही कहना है कि भले कितने भी आरोप लगे लेकिन बोले हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। आज भी भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरा मैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुर सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।